नमस्कार, मैं हूं दिबांजलि मोइत्रा। महेश भट्ट इंडस्ट्री का एक ऐसा नाम है जिस पर लोग आए दिन मीम बना रहे और जमकर ट्रोल करने में लगे हुए हैं। सुशांत सिंह राजपूत के अचानक निधन के बाद हर कोई हैरान रह गया था, लेकिन महेश भट्ट साहब ने एक ऐसा स्टेटमेंट दे दिया जिसने हर किसी के होश उड़ा दिए। महेश भट्ट ने कहा था कि मुझे पता था कि एक दिन ऐसा होगा। इस बयान के बाद ऐसी हलचल हुई कि देखते ही देखते महेश भट्ट का नाम सुशांत केस से जुड़ गया। सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया और महेश के रिश्तों पर भी कई सवाल उठाए गए और पूछताछ भी की गई। वहीं आज हम अपनी इस खास रिपोर्ट में आपको बताने वाले हैं महेश भट्ट की कॉन्ट्रोवर्सीज के बारे में। महेश भट्ट ने किया था अपनी बेटी को लिप किस। 80s में स्टारडस्ट मैगजीन के कवर पेज पर महेश भट्ट अपनी बेटी के साथ नजर आए थे। ये कोई नॉर्मल बाप बेटी की फोटो नहीं थी, बल्कि महेश भट्ट ने अपनी जवान बेटी पूजा भट्ट को गोद में बिठाकर लिप किस किया था। उनकी इस फोटो ने देखते ही देखते सनसनी मचा दी। लोगों ने इस फोटो को देखने के बाद भट्ट परिवार को खूब खरी खोटी सुनाई। वहीं इसी मैगजीन को इंटरव्यू देते हुए महेश भट्ट ने यह भी कह दिया था कि अगर पूजा मेरी बेटी नहीं होती तो मैं उससे शादी कर लेता। परवीन बॉबी की डेथ बनी थी मिस्ट्री। महेश भट्ट से था नाता। महेश भट्ट को परवीन बॉबी से तब प्यार हो गया था जब परवीन अपने करियर की पीक पर थी। दोनों लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगे थे। उस वक्त महेश की पत्नी और बच्चे दोनों थे। दोनों का रिश्ता करीब 2 साल तक चला था। वही महेश भट्ट ही वो पहले शख्स थे जिन्होंने परवीन बॉबी के निधन के बारे में बताया। उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान कहा था, दृश्य डरावना था। मैं LSD में घुस गया और परवीन को नर्वस ब्रेकडाउन हुआ। रिपोर्ट्स की माने तो वो अपने मुंबई अपार्टमेंट में रहस्यमय परिस्थितियों में पाई गई थी। वो 2005 में अपने अपार्टमेंट में मृत पाई गई थी, जिसके बाद उनकी मौत को एक आत्महत्या बताया गया। कंगना ने लगाए थे कई गंभीर आरोप। कंगना रनौत, जिन्होंने महेश भट्ट के साथ वो लम्हे फिल्म में काम किया था, लेकिन हाल ही में सुशांत के निधन के बाद कंगना की टीम ने एक ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी कि महेश भट्ट ने एक बार उन पर चप्पल फेंकी थी। उन्होंने ट्वीट कर कहा था, कई स्टूडियो प्रतिभाशाली लोगों से मुफ्त में काम कराना पसंद करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपके पिता को कंगना पर चप्पल फेंक कर मारने, उन्हें पागल कहने और उन्हें अपमानित करने का लाइसेंस मिल गया। उन्होंने कंगना के दुखद अंत होने के बारे में भी ऐलान किया था। इस ट्वीट के बाद महेश भट्ट एक बार फिर विवादों में फंस गए थे। रिया और महेश का रिश्ता। महेश भट्ट की फिल्म जलेबी में रिया चक्रवर्ती नजर आई थी। दोनों फिल्म के लॉन्च में कई बार एक दूसरे के करीब नजर आए, लेकिन सुशांत के निधन के बाद रिया और महेश की कुछ ऐसी फोटोज सामने आई जिसके बाद लोगों ने दोनों के रिश्तों को कुछ और ही नाम दे दिया। मल्लिका शेरावत के साथ जुड़ा विवाद। महेश भट्ट के साथ मल्लिका शेरावत ने हिट फिल्म दी थी जिसका नाम था मर्डर। मल्लिका महेश भट्ट को अपना मेंटर मानती थी, लेकिन 2018 में मल्लिका ने एक खुलासा किया था जिसने हर किसी को हैरान कर दिया। उनका मानना था कि उन्होंने बहुत सी फिल्मों को छोड़ा है कास्टिंग काउच की वजह से। उन्होंने रिवील किया था कि उन्हें बहुत से प्रोजेक्ट से बाहर किया गया था क्योंकि उन्होंने ऑफ स्क्रीन को स्टार्स के साथ इंटीमेट होने से मना कर दिया था। इस सेक्सुअल हरासमेंट रेवोल्यूशन को सुनने के बाद भट्ट काफी शॉक थे, क्योंकि मल्लिका के साथ उनका रिश्ता काफी अच्छा था। वेल, आपको हमारी ये स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और बॉलीवुड से जुड़ी तमाम खबरों को जानने के लिए बने रहें हमारे साथ।